नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से संबंधित फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की। जी हाँ, आपको पता है चौथी ये कंपनी है जो इंसॉल्वेंट हो गई है। अब केवल दो कंपनी बची हैं फ्यूचर ग्रुप की, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड यानी FMNL और FLFL। यहाँ पर FEL, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फ्यूचर सप्लाई चेन यानी कि FSC, ये चार कंपनियाँ जो हैं वो दिवालिया हो चुकी हैं। तो अभी ये 4 मई को इसकी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हुई है। अगर आपने नहीं देखा मेरा वीडियो तो पुराने वीडियोज़ आप देखिए, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्यूचर ग्रुप अपडेट करके, जहाँ पर अभी कल अमेजोन वाली न्यूज़ भी आई है जिसमें मैंने डाला है सुप्रीम कोर्ट ने उनका 200 करोड़ का फाइन माफ़ कर दिया है। अगर आपने वो ही नहीं देखा है तो जाके आप मेरे चैनल के रिसेंट वीडियोज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो FLFL की जो खबर निकल के आई है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं IRP की स्टेज 0 में अभी ये फिलहाल चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। SHAR स्मॉल में, BA कैपिटल में है। कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगा कि गाइस आप भी टिप से बचे रहिए। बाकी अपने वीडियोस के कई बार लिंक यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे कल ये अमेजोन वाला जो मैंने वीडियो बना के डाला उसका लिंक यहाँ पड़ा हुआ है। बाकी जो और वीडियो डालता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो होती हैं वो डाल देता हूँ, कोई जो रिजल्ट वगैरह आते हैं तुरंत कई बार वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उन सबके यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ने BSE और NSE को इन्फॉर्म किया कि भैया हमने जो हमारे LODR से संबंधित यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से संबंधित जो भी नियम कानून है उसके तहत हमने इसको न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि भैया हम बैंकक्रप्ट हो गए। अब आप जिसको जिसको पैसा चाहिए वो हमारे पास आके हमसे संपर्क करें। कौन करेगा संपर्क भैया? जिन्होंने पैसा दे रखा है, एक तो क्रेडिटर्स करेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर करेंगे, समझ रहे हैं, और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे वो होंगे, और जो इसके जिन इनके पास जिसका पैसा होगा वो लोग अपना करेंगे। तो उनके लिए भैया जो ये है डेट मैं बता दूँ आप लोगों को, 18 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा है 18 मई 2023, 14 दिनों का समय होता है जिस दिन इंसॉल्वेंसी एडमिट होती है। तो 4 मई को इंसॉल्वेंसी एडमिट हुई है और उससे 14 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो 18 तारीख निकल के आती है। तो यहाँ पर आपको जो भी क्लेम्स वगैरह भेजने में बता दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट, ये देखिए। पहले तो वही बताया इन्होंने कि भैया यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एडमिट हो गई। अब ये देखिए, दे आर हेयर बाई कॉल्ड अपॉन द सबमिट देयर क्लेम्स विद प्रूफ ऑन और बिफोर 18 मई 2023 टू द एंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बिल्कुल, यहाँ पर एंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उनकी, उनको बता दिया गया कि कौन है वो प्रोफेशनल, एट द एड्रेस मैंशनड अगेंस्ट एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है, यहाँ पर आपको भेजना है आपके क्लेम जो एड्रेस लिखा हुआ है, है ना। और यहाँ पर मेल आईडी भी लिखी है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको 18 मई तक भेजना है। द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल सबमिट देयर क्लेम विद प्रूफ बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बिल्कुल, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू यानी कि मेल वेल के थ्रू अपने क्लेम्स को भेजना है ओनली। ऑल जो अदर क्रेडिटर्स हैं मे सबमिट क्लेम विद प्रूफ इन पर्सन बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बिल्कुल, या तो वो बाय पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं या मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है, समय कम है, आप पोस्ट वोस्ट के थ्रू भेजना चाहेंगे तो हो सकता है कभी डिले ले हो जाए। आप लोग जितने भी जो भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं जो फाइनेंशियल हैं या जिनका भी पैसा बाकी है वो अपना यहाँ साइट पे जाइए, IBB की साइट पे, यहाँ पर आपको रेलेवेंट फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करिए उसको, भरिए और फोटो वोटो खींच के आप लोग तुरंत मेल कर दीजिए। क्योंकि FEL में भी मैंने बताया था FEL की FD वाला मामला बहुत फंसा हुआ है अभी भी, तो FEL की FD का मांग के चलिए जब तक IRP यानी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो फाइनल नहीं होगा तब तक FEL की FD का मामला अभी नहीं होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने FEL का FD वाला फॉर्म जो है वो नहीं भरा है। अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए भैया जितेंद्र से बात बात करके, क्योंकि डेट वेट तो फिलहाल निकल ही चुकी है। यहाँ पर आप देखिए IRP की स्टेज 0 में आ गया, इसका मतलब ये है कि अभी तो रेगुलर ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन जैसे ही IRP की स्टेज 1 में आएगा वैसे ही मान के चलिए यहाँ पर मंडे ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि इस समय फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में चल रहा है। रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए टू डेट पूरा पैसा माइनस 45%, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 1 साल में आपकी 66% कैपिटल खा चुका है, 2 साल में पूरी लगभग खा चुका है, 3 साल और 5 साल में तो पूरी कैपिटल ये निकल चुका है आपकी। वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मंथ का एवरेज आपको 2 लाख का दिख रहा है, 1 वीक का एवरेज भी 2 लाख का दिख रहा है, यस्टरडे 1 लाख और टुडे की बात करेंगे तो 1 लाख। ये मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये भाई टुडे का मतलब कल है और ये मान के चलिए परसों है। चार्ट की बात करते हैं, देखिए अब चार्ट में यहाँ पर आपको तो फिलहाल गिरावट ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर 1, 2, 3 लोअर सर्किट लग चुके हैं और अब ये वाले लेवल जो है 4.5 रुपये वाला लेवल जो है
वो अगर टूटता है तो फर्दर आपको और गहराई गिरावट में देखने को मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट ही आपको देखने को मिलने वाली है अब, क्योंकि अब इंसॉल्वेंसी एडमिट हो गई है, तो अब यहाँ पर कोई चारा फिलहाल बचता नहीं है। अब इसको इस तरह के स्टॉक से आपको फिलहाल जो नए लोग हैं उनको दूर रहना चाहिए, जिन्होंने ऊपर ले रखा एंट्री मतलब एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि कौन जो है इसको ख़रीदेगा, मतलब कौन कंपनी आएगी इसको रेजोल्यूशन बढ़िया प्लान लेके और उसको लेके जाएगी, फिर ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि शेयर को क्या किया जाए, इसको डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए या लिस्टेड रहने दिया जाए, और फिर तब ये शेयर भाग सकता है, या एक शेयर के बदले 100 शेयर या 100 शेयर के बदले 1 शेयर भी मिल सकता है, 1 के बदले 1 शेयर मिल सकता है, ये वट एवर जो भी वो डिसाइड करेंगे जिनका फाइनल होगा रेजोल्यूशन प्लान। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। RSI की बात करें तो 38.24 चल रहा है फिलहाल, बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और वीकली कैंडल में बात करते हैं, तो वीकली कैंडल में भी आपको देखिए प्रॉपर गिरावट देखने को मिल रही है। RSI की बात करेंगे तो 38.8 चल रही है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कमजोरी दिख रही है। वहीं मंथली कैंडल की बात करेंगे तो लगातार 3 महीनों गिरावट बाद पिछले महीने थोड़ा सा अच्छा वो देखने को मिला था, और यहाँ पर आपको इस महीने फिलहाल पूरी तरीके से गिरावट, और RSI अगर आप देखें मंथली लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर दिख रहा है। और गाइस इस तरह के स्टॉक जो होते हैं इस तरह के ऑपरेट जो ये पूरे तरीके से ऑपरेटर से ड्रिवन होते हैं, जैसे फ्यूचर कंज्यूमर देखिए ऊपर ऑपरेटर ले गया काफ़ी, अब गिरना चालू होगा तो फिर गिरना चालू फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, और जैसे फ्यूचर रिटेल भी इस समय और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड IRP स्टेज 1 में है फिर भी अपर सर्किट लग रहा है, तो मेरे बात को तो ये पूरी तरीके से ऑपरेटर ड्रिवन है, आप फंस जाएंगे, आपको अपनी सावधानी बरतनी होगी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, समझ रहे हैं आप बात को। चलिए गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। हाँ चलिए धन्यवाद।